बस्ती जनपद के विक्रम जोत ब्लॉक के लालपुर गांव में इस वक्त मौजूद हूं। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नंदलाल का परिवार। नंदलाल से ही पूछेंगे कि महंगाई कितना असर उनके बजट पे डाला। ये बताइए, महंगाई ने कुछ असर डाला है आपके बजट पे? आपका जो और कितना कमाते हैं, क्या उतने में हो जाता था या जाता अपने गुजारा नहीं होता। हमारे लोग बहुत गरीब आदमी हैं, चार परिवार कैसे जी आ रहे थे हम लोग जानते हैं। हाँ, यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होता, मजदूरी के सहारे सब लोग जीते हैं। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, इधर उधर, कहीं दिहाड़ी लगता है कहीं नहीं लगता है। जो महंगाई थी पहले की अपेक्षा, क्या इस सरकार में या अभी ये अभी की बात की जाए तो बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ी है, अब ये कैसे आप कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ी? पहले से ढेर महंगाई बढ़ी है इस समय। हाँ, चीज की महंगाई बढ़ी है? हर एक चीज की बढ़ी है। ये इतना है, थोड़ा सुकून हर इस समय है कि थोड़ा हम लोग गल्ला फिर पाते हैं बस, और हर चीज कमाने भर नहीं होता खाने भर का। जो तेल मसाला और सब्जी, इस सब की महंगाई, इन सब महंगे हुए हैं? महंगे तो भैया है इस समय, अगर फसली सामान है तो थोड़ा सस्ता है, नहीं फसली है तो महंगा है इस समय। में इसके यहाँ अरहर की दाल 100 रुपया किलो बिकती है। चलिए चाची, अब आप बताइए, क्या महंगाई बढ़ी है कि नहीं, ये बताइए। अरे महंगाई तो बढ़ी बा, सब चीज का महंगाई बढ़ी बा। सब्जी वगैरह का दाम बढ़ा है सरकार? हम का जानी, पहले सरकार के सरहा सरकार के सरहा। आप लोग भी वोट देती होंगी, सब्जी खाती होंगी, तेल मसाला ये सब खरीदती होंगी, तो क्या लगता है बढ़ा है? पैसा आप ही लोग को देना पड़ता अरे अब सब चीज तो सरसों सरसों का तेल इतना महंग बा, साग सब्जी महंग बा, हर चीज तो महंग है बात है। महंगाई इस समय चरम सीमा पर है, इस पर सरकार को नियंत्रण रखना चाहिए। चुनाव में महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बनता, हर बार देखा जाता है? सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं, आगे भविष्य देखते नहीं हैं, और जो है सब लोग अगर इस पे सोच विचार करके बात अपनी, जो भी प्रतिनिधि आते हैं इलेक्शन लड़ने उनसे बात रखा जाए तो उसका मुद्दा बन सकता है, लेकिन लोग उठाते नहीं। पार्टियां भी तो मुद्दा नहीं बनाती, पार्टियां नहीं बनाती हैं तो पार्टियां जान रही हैं कि कभी हमारे पाले में जाएगा, कभी उनके पाले में जाएगा, इस तरह से किसी ना किसी को तो वोट जनता देगा ही। कैंडिडेट अगर सुनने वाला बात हमारा कैंडिडेट सामने आता है तो उसके सामने अपनी बात रखेंगे। नहीं कोई नहीं, असर कोई नहीं है, असर कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ी है बस, हते कोई दिक्कत नहीं है, और जो चल रहा है वो चलने दो। चुनाव में महंगाई मुद्दा बनता है? अरे ठीक है, बढ़ने दो, मुद्दा कोई बन रहा है उसको देखा जाएगा। क्यों नहीं बनता है चुनाव में मुद्दा? मुद्दा बनेगा उसको देखा जाएगा ना, और क्या, उसको देखा जाएगा भाई। वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। महंगाई के बारे में सोच के वोट डालेंगे? महंगाई के बारे में सोच करके वोट डालेंगे तो का? क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। बढ़ी है उसे मतलब नहीं है, बढ़ने दो, कमा लेते हैं उतना, हमको कोई दिक्कत नहीं। महंगाई अगर बढ़े बा कुछ भी लगभग सबको मेहनत मजदूरी की जा रही, खेती है कोई मिल रहा तो उन्हें, अब क्या परेशानी आ रही है? परेशानी है यूरिया का, खाने का, और खाने पीने की परेशानी तो ये है। अरे ये सोचा जी किसान किसानी पर खाद पे ही है, और अगले बाद गल्ला पैदा हुए खाने पीने के का आराम हुए, वो भी नहीं हुआ कौन सी। सरकार अगर कोटा दिया था, सरकार कोटा दिया तो 35 प्राणी में तो 20-10 आदमी 4 आदमी के नाम लिखे हैं, बाकी वो खा लेते। हाँ महंगाई तो कम करे और सुरक्षित रखे, हाँ वही को देंगे। गांव के लोग हैं, कुछ लोग डरते भी हैं जवाब देने में, तो अलग अलग लोगों से हमने बात की महंगाई को मुद्दे पे, और उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी राय रखी। एबीपी न्यूज के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।